नमस्कार दोस्तों, अभी का सबसे बड़ा न्यूज तेजस्वी यादव ने भेज दिया है अपने पुलिस डिपार्टमेंट को मनीष पत्रकार को पकड़ने के लिए। तो मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर क्यों किया गया है ये सब तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन इन सभी के बीच पुलिस के बड़े अधिकारी का क्या कहना है, आइए इस वीडियो में देख लेते हैं। तो अभियुक्त मनीष कश्यप और युवराज सिंह अभी तक ईओयू के समक्ष जो पूर्व की एफआईआर थी 3/23 उसमें ये अभियुक्त हैं, उनके सामने उपस्थित नहीं हुए, उनको नोटिस दिया गया था। आप उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। दोस्तों आपने तो सुना कि पुलिस के बड़े अधिकारी का क्या कहना है, लेकिन चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि मनीष कश्यप के साथ उनके चाहने वाले हैं और उनके साथ देने वाली है महिला विकास मंच की अध्यक्ष जो कि उनके पक्ष में हमेशा खड़ी रहती है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है उनके लिए आइए इस वीडियो में देख लेते हैं। ये है, ये लीगल मामला है। अगर उन पे एफआईआर हुआ है मनीष पे तो ये कोई अपराध नहीं है। एफआईआर हुआ है तो इसमें जैसे ही मामला कोर्ट में जाएगा एकदम तुरंत बेल मिलेगा, और जो समाज के लिए लड़ते हैं तो उन पे 2-4 एफआईआर अगर होते हैं तो उससे घबराना नहीं चाहिए किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को या इस तरह के पत्रकारों को। भाई तो मेरा एफआईआर में फंस ही गया, एगो बहन बची आवाज उठाने वाली, उस पे भी करवा दो बुलवा। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। यहाँ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि दुनिया की हर एक ताज़ा खबर आपके पास पहुँचते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।